बहुत बहुत स्वागत है। असं प्रेस मिलने ब्रीफिंग करनी है। पिछले एक साल तो पहला कुछ समा गुजरिया, साढ़े हरमन प्यारे नेता सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर का दिल्ली में बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में कतल हो जाता है, और कतल होने के बाद तकरीबन एक साल का वक्त बीतता है या कुछ एक समा ज्यादा बीतता है। यह होता है कि एक नवे किस्म की थ्यूरी बनती है, किसी होर केस के इन्वॉल्व होता और पकड़े जाता है। पकड़े जाके पुलिस एक इस लिंक करते हुए उसनों सामने लिया है कि इस सारी कॉन्स्पिरेसी के सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी के एक तीन बंदे होर भी इनवॉल्व जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, उन्होंने सरदार त्रिलोचन सिंह जी वजीर जो एक्स प्रेजिडेंट बोर्ड ऑफ गुरद्वारा बोर्ड के सन सरदार हरजिंदर सिंह जी रैना जो डी जी पी सी के एक्स प्रधान रहे हैं, सरदार जगपाल सिंह जी जो प्रेजेंटली अब भी डी जी पी सी के मैंबर हैं, इन्हों की कॉन्स्पिरेसी भी है। जो एक्यूज ने हफ्ते गल की गई वो एक्यूज पेपर नाम भी प्रेस वाले ने सारे ने पढ़िया होना है कि उन्होंने लिए कुछ इनाम भी रखा गया और उन्होंने पुलिस ने इसे बाद केस भी पेश किया गया। साड़ी अज इस मिलनी साढ़ा ये पुरजोर मंग है कि असी उन्होंने कतल को कंडेम करते हैं, जिला भी कतल सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर का होया, और मोर ओवर सरदार सुदर्शन सिंह वजीर सरदार रजिंदर सिंह रैना और सरदार जगपाल सिंह जी ने कभी किसी एक भी बैक ट्रैक देखिए किसी एक भी केस में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, ना ही वो किसी ऐसे बैकग्राउंड में अपने बिजनेस में इन्वॉल्व और बिजनेस करने का हर एक हक प्राप्त है, और उसके नाल सिख समाज के सारिया हितों की राखी भी करते हैं और पब्लिक वेलफेयर के कामों में बड़ा ध्यान देते हैं। साड़ी पुरजोर मंग है जो थर्ड पार्टी ये गल चाहती है कि सिख हितों की राखी ना की जाए और यो जो ऐसे शख्सियतों किसी ना किसी केस के इन्वॉल्व करके इन्हों ट्रैप लिया जाए। असी साड़ी ये मंग है कि अब ब्रेन मैपिंग का सिस्टम भी है, इवन नार्को टेस्ट भी है, अक्यूज का भी किया जा सकता है और इन लोगों का भी किया जा सकता है, सीबीआई की इंक्वायरी भी है ताकि इस सारी इंक्वायरी के सारे जो टेक्निकल मीनस उन्होंने मीनस ला के ये कोशिश की जाए कि जो ठीक आदमी के इनवॉल्व है जिसका यह हथ पिछे होना है, जो थर्ड पार्टी जो भी सू शक है उस थर्ड पार्टी को उजागर करके सारे के सामने लिया जाए ताकि सच का सच सामने आ सके और लोगों का विश्वास भी कानून के उपर बिल्कुल बरकरार बनया रहे। थैंक यू वेरी मच।